साउथ फिल्म इंडस्ट्री से एक बुरी खबर सामने आ रही है। रंजुशा मेनन जो कि जानी मानी एक्ट्रेस हैं, उन्होंने अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, ऐसा कहा जा रहा है। घर में लटकी हुई मिली है 35 साल की मलयालम एक्ट्रेस रंजुशा मेनन की लाश, जिसके बाद लोग जो है काफी हैरान है। मलयालम टीवी और फिल्म एक्ट्रेस रंजुशा मेनन अपने घर में मृत पाई गई। 35 साल की एक्ट्रेस तिरुवंतपुरम अपने फ्लैट पर लटकी हुई मिली। 30 अक्टूबर की सुबह उनकी मौत हुई, जिसकी जानकारी अब सामने आई है। इस खबर को सुनने के बाद हर कोई शॉक्ड है। उनके जाने की वजह तो अभी तक नहीं पता चल पाई, लेकिन इतनी कम उम्र में उनका यूं चले जाना सबको काफी हैरान कर रहा है। रंजुशा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा है। रंजुशा मेनन ने कई टीवी सीरियल्स और फिल्मों में काम किया और अपने किरदार से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। टीवी सीरियल्स के अलावा रंजुशा सेलिब्रिटी कुकरी शो सेलिब्रिटी किचन मैजिक में बतौर कंटेस्टेंट नजर आई थी। उन्हें सिटी ऑफ गॉड और बाकी सारी फिल्मों में देखा गया था। सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस बहुत ज्यादा एक्टिव रहती थी और अपने को एक्टर्स के साथ अक्सर वीडियोस बनाती थी। 29 अक्टूबर को भी उन्होंने एक रील शेयर किया था, जिसके बाद से दूसरे दिन तक सुबह तक में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद एक्ट्रेस ने इतना बड़ा कदम उठाया, इसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच में जुट गई है। रंजुशा मेनन पिछले कुछ टाइम से अपने पति और बच्चों के साथ श्री कार्याट में किराए पर रह रही थी। मौत की जो वजह है वो अभी तक सामने नहीं आई है और इसके साथ ही एक्ट्रेस के शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है।